हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, अन अकेडमी ऐप दे रहा आपको घर बैठे देश के टॉप टीचरों से पढ़ाई करने का मौका। यहाँ पर जॉब के हिसाब से अनेक प्रकार की कैटेगरी उपलब्ध है। आप किसी भी कैटेगरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी जॉब के हिसाब से और उस कैटेगरी के सभी टीचर से पढ़ाई कर सकते हैं। कैटेगरी सब्सक्राइब करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से कैटेगरी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप राजेश जांगड़ा 21 इस कोड को यूज़ करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक नई अपडेट की। तो यदि आपके रेलवे ग्रुप डी के पैसे वापस नहीं आए हैं, आप सभी को पता होगा 500 रुपये आपकी फ़ीस लगी थी जर्नल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और फीमेल और एससी कैटेगरी के लिए 250 रुपये फीस लगी थी। तो 500 में से 390 रुपये 400 रुपये वापस आने हैं, और जो एससी कैटेगरी है फीमेल कैटेगरी है उनके 250 रुपये वापस आने हैं। तो कई दोस्तों के वापस नहीं आए हैं, तो उनके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा। आप सभी को पता होगा कुछ दिन पहले ये कुछ दिन ही 2 या 3 दिन पहले नोटिस आया था कि आप यदि पैसे वापस नहीं आए तो 22 तारीख को एक लिंक एक्टिवेट होगा, उस लिंक से आप अपने बैंक की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बैंक की अपडेट डिटेल अपडेट करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रुप डी की भर्ती की, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती जिसका एग्ज़ाम हो चुका है ऑलरेडी और अब फिजिकल होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, साइट खोलने के बाद ये आ जाएगा अकाउंट डिटेल करेक्शन। ठीक है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। अब आपको आपका जोन सेलेक्ट करना है, जहाँ भी जिस जोन में आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया था। तो यहाँ पे अजमेर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरी फीस भी वापस नहीं आई है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में आपको ये कैप्चा कोड एंटर कर देना है। ठीक है, मैं एक बार एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, मैंने ये चीज़ें एंटर कर दी है, उसके बाद में आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजेश कुमार का ये नाम आ चुका है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यदि आपको लगता है कि आपके नाम में कुछ गलती है तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे मेरी चीज़ ये सही है तो मैं इसके यही रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में 3007011001667 UCBA000003007 UCBA000003007। तो मेरी ये सारी चीज़ें सही है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूँगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन मेरे पैसे फिर भी वापस नहीं आए। तो आपको क्या करना है, आपका कोई दूसरे अकाउंट है, कोई और दूसरी उसका है, तो वो एंटर कर देना है। यानी आपको यहाँ पे अकाउंट आपका नंबर दूसरा डाल देना है। तो मैं दूसरे बैंक का, मेरा एक दूसरा खाता है उसका नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे 3585, ताकि आपको भी पता चल सके 50 3585 50 19703। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद में दोबारा डालना है आपको ये 3585 19703। ठीक है, और उसके बाद में आपका IFSC कोड यहाँ पे डालना है आपको। तो SBIN 00 10 318। ठीक है, ध्यान से डालनी है सारी चीज़ें। SBIN 00 10 318। ठीक है, सारी चीज़ हो गई हमारी अपडेट। अब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट कर लेना है, इसको एक्सेप्ट कर लिया और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, योर बैंक डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए, और क्लोज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपकी ये डिटेल अपडेट हो चुकी है। इस तरीके से आप अपने यदि पैसे वापस नहीं आए हैं तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों बस यही एक अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। कई दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि आप एक प्रोसेस की वीडियो डाल दीजिए ताकि हम खुद मोबाइल से अपडेट कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी है लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।